हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी कुछ चुस्ती और फुर्ती के साथ। गर्मा गर्म काले छोले अगर चटपटे स्वाद के साथ मिल जाए तो मज़ा ही क्या है। लेकिन कुछ लोगों को प्याज और लहसुन की खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए आज मैं बना रही हूँ केवल टमाटर और कुछ मसालों के साथ चटपटे काले छोले। मैंने यहाँ पर काले छोले जो हैं रात भर भिगाने रख दिए थे। माप में ये 150 ग्राम है। भिगाने के बाद ये अच्छी तरह से फूल गए हैं और अब हम इसको कुकर में उबालेंगे। उबालने से पहले हम 2-3 बार इसे साफ पानी से धो लेंगे। अब इन चनों के ऊपर हम पानी इतना डालेंगे जितना कि हमें इसे उबालने के लिए पर्याप्त हो। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें और पानी का जो लेवल है इतना होना चाहिए जिससे कि प्रेशर कुकर में चने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ मैंने 150 ग्राम चने पर 250 ml पानी का इस्तेमाल किया है। इसी समय हम इसमें 1/4 चम्मच नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने से जो चने होते हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। कुकर में ढक्कन लगा दिया है और गैस की फ्लेम लो है। इस लो फ्लेम पर ही हम 4 से 5 सीटी हम इस कुकर में देंगे। 5 सीटी हो गई हैं। अब गैस बंद कर दिया है। इसी के साथ अब हम यहाँ मसाला बनाते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ धनिया मिक्स कर दिया है। साथ ही हम 1/4 चम्मच नमक लेंगे। ज़्यादा नमक नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। चने उबालते समय भी हमने इसमें नमक डाला था। सभी मसालों को मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ा सा पानी में घोलेंगे। इतना पानी लेंगे कि इसका पेस्ट बन जाए। अच्छी तरह से चम्मच से हिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसी मसाले के पेस्ट में हम 1/2 चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल भी करेंगे। काली मिर्च डालने से इस सब्जी का जो काले चने का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। एक मसाले का पेस्ट हमने तैयार कर दिया है। अब मैंने एक बड़े साइज का टमाटर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। काफ़ी रसीला टमाटर है ये। लो मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। जैसे ही कढ़ाई गरम होगी हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अच्छा गरम होते ही इसमें हम जीरे का तड़का लगाएंगे। जैसे ही जीरा तड़कने लग जाएगा उसमें हम ये जो टमाटर दिख रहे हैं रसीले इसको डाल देंगे। टमाटर डालते ही हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी भी मिला देंगे। अच्छी तरह से सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद जो मिक्स मसाले का पेस्ट बनाया था उसे हम टमाटर में मिला देंगे। बोल में जो बचा हुआ मसाला है उसमें थोड़ा सा पानी और मिलाकर उसे भी हम इस टमाटर की ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सौटे करेंगे। बीच बीच में टमाटर को हमने लेवल से मैश करते जाएंगे। जितना संभव हो सके उसे मैश करिए ताकि टमाटर का बहुत ही फाइन पेस्ट बन सके। मैश करने से जो मसाले हैं वो टमाटर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने ये टमाटर अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर में से यानी ग्रेवी में से तेल रिलीज होने लग गया है। जैसे ही तेल रिलीज हो जाए तो आप उसमें 1/2 गिलास पानी मिला दीजिए यानी 100 ml के आसपास। दूसरी तरफ कुकर में जो प्रेशर अच्छी तरह से निकल गया है और यहाँ हमारे चने आप अच्छी तरह से देख सकते हैं सिम में
मैंने ये चने बॉईल करे थे, अच्छी तरह से चने उबल गए हैं। आपको मैं ये मैश करके दिखा रही हूँ। एक एक चना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बहुत ही कम आंच पर इस चने को कुकर में मैंने 5 सीटी दी थी और ये चने अब इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि काले छोले बनाने के लिए अब ये बिल्कुल रेडी हैं। सभी काले चने को मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और दूसरी तरफ कढ़ाई में टमाटर की बहुत ही टेस्टी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसे जितना संभव हो सके मैंने मैश कर लिया है और चीनी इसमें पहले से ही पड़ी हुई है। सारे मसाले मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालते हैं उबले हुए चने। उबले हुए काले चने मैंने इस ग्रेवी में डाल दिए हैं और अच्छी तरह से इसे मैं स्टिर करके इसे पकने के लिए रख देती हूँ। यानी इसमें बहुत अच्छा उबाल आना चाहिए। कम से कम लो मीडियम फ्लेम पर मैंने 15 से 20 मिनट इसे बॉईल करा है। बॉईल करते समय इसका पानी थोड़ा वेपोराइज हो गया तो मैंने इसमें 200 ml पानी और मिला दिया। अब इसमें मैं ढक्कन लगाकर इसे थोड़ा सिम में पकने दूंगी। ढक्कन अगर हल्का है तो उसमें आप एक हैवी वेट रख दीजिए ताकि अच्छे प्रेशर में ये चने जो है पूरा तरी में जितना भी चने का रस है वो आ जाए। तभी तो ये काले चने तरी वाले वैसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। अब इन काले चने में प्रोटीन तो है ही, लेकिन इनको ज़्यादा यूनिक टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ले रही हूँ। इससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी लेकर इसका पेस्ट सा मैं बना लूँगी और इसी कश्मीरी मिर्च में मैं मिलाने जा रही हूँ एक टेस्ट मेकर। हाँ, वो टेस्ट मेकर है मैगी का टेस्ट मेकर, और इससे ये काले चने खाने में बिल्कुल यूनिक टेस्ट वाले लगेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च में मैं ये टेस्ट मेकर मिला रही हूँ। थोड़ा सा पानी लेकर इसका भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम इस पके हुए चने की तरी में डाल देते हैं, यानी पूरे काले चने पे हम इस मिक्सचर को डाल देते हैं। इसके बाद आप खुद ही देखेंगे ये कितने टेस्टी चने बने हैं और अलग यूनिक टेस्ट वाले इस चने को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, मेरा मन तो कर रहा है इसे मैं अभी ही खा लूँ। ज़रूरी नहीं है आप चपाती पराठे पूरी के साथ दीजिए इसे। अगर आपके बच्चे छोले की तरह खाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह के यूनिक टेस्ट वाले तरी वाले काले चने आप ज़रूर ट्राई कीजिए। 5 मिनट और पकने के बाद इस चने का रंग आप देख सकते हैं। और इस चने में अब हम मिलाएंगे ताज़ा मेरे किचन गार्डन का धनिया, और ये धनिया के फ्लेवर वाला चना आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने बच्चों को इसे वैसे ही खाने को दे सकते हैं। और प्रोटीन से भरा ये जो चने मैंने बनाए हैं, इसमें ना तो लहसुन ना प्याज किसी की भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है बहुत से लोगों को लहसुन और प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। ये टमाटर वाले चने एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके बच्चों को ये मैगी टेस्ट मेकर वाले चने बहुत पसंद आएंगे और इसे आप एक बार नहीं 1000 बार बनाएंगे। और प्रोटीन से भरपूर हमारे यूनिक टेस्ट वाले काले तरी वाले चने तैयार हो गए हैं, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।